आज का हमारा नया एपिसोड, बहुत ही सुंदर एपिसोड जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वह एपिसोड है पंचभूतात्मक प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है पर्यावरण, नेचर, ब्रह्मांड, कॉस्मोस, जिसके अंदर हम सभी रहते हैं। मानव मात्र नहीं, 84 लाख जीव योनि के प्राणी जहाँ निवास करते हैं, जहाँ जन्म लेते हैं, जहाँ भरण पोषण करते हैं और पूरे जीवन भर कार्यकलाप करते हैं, उसी का नाम सृष्टि है, उसी का नाम प्रकृति है। इस प्रकृति में पेड़ है, पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, जानवर है, सभी तरह के लोग इसी प्रकृति में निवास करते हैं, एंजॉय करते हैं और अपने जीवन का प्रारंभ से अंत तक कार्यकलाप इसी में करते हैं। अब हमें जानना है कि ये प्रकृति कौन से तत्वों से बनी हुई है। सारे इस प्रकृति में फंडामेंटल 5 तत्व है, उसी से ही प्रकृति का निर्माण होता है, उसी से ही इन जीवों का, जो 84 लाख जीव योनि के प्राणी हैं, उनका निर्वाह होता है। वो 5 भूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी तत्व का मतलब होता है कि हमारी जमीन, इस पृथ्वी के गर्भ के अंदर बहुत सा जो है संपदा छिपी हुई है, बहुत से मिनरल्स हैं और बहुत से हमारा सोना है, टिन है, 108 तरह के जो सब्सटेंसेस आज विज्ञान ने बताए हैं, वो सभी पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर छिपे हुए हैं। बहुत बड़ी संपदा है पृथ्वी के अंदर। और ये सारा जितना भी कोयला है या हमारा पानी है या हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, सब पृथ्वी के गर्भ से आता है। तो ये पृथ्वी जो है एक बड़ा सब्सटेंस हो गया। और जल, जल का अर्थ होता है पानी। हमारे शरीर के अंदर 60% पानी है और ये सारी पृथ्वी, ये सारी सृष्टि है वो 75% पानी से, जो पानी है उसके अंदर, और 25% ही लैंड है जिसके ऊपर की हमारा सारा ये चराचर जगत निवास करता है। पृथ्वी, जल और तीसरा अग्नि। अग्नि जो है, जैसे कि हमारी खुद की भी अग्नि होती है, जो जठराग्नि होती है, जो जलाई जाती है, जो कोयले से होती है, ईंधन से होती है, वो सारी अग्नि कहलाती है। अग्नि के द्वारा है हमारे सारे कार्यकलाप होते हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां चलती, स्टील बनता है या कोई भी हमें तपाना होता है या किसी चीज का निर्माण करना होता है, उसमें अग्नि की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को भी अग्नि की आवश्यकता होती है, जठराग्नि भी एक अग्नि है और सूर्य का जो ताप है वह भी अग्नि है। तो ये सारा अग्नि के अंतर्गत आता है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। ये जो सारा वायुमंडल है उसके अंदर मुख्य रूप से हमारी प्राण वायु है जो हमारे काम आने वाली है। उसके अलावा बहुत सी गैसें होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है वगैरह, कई कई तरह की गैसें हैं, वो सारी प्रकृति के अंदर ही मिलती है, वो वायुमंडल के अंदर मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि वायुमंडल को स्वच्छ रखना चाहिए। वायुमंडल को स्वच्छ रखने का अर्थ है उसके अंदर प्राण वायु की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि समस्त जीवित प्राणियों के लिए जो है वो प्राण वायु ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और खास करके मनुष्य के लिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जो हमारा आकाश जो है वो स्काई है, वो कॉस्मोस जो है मावगाहना देता है। उस कॉस्मोस के अंदर, उस आकाश के अंदर हम निवास करते हैं। अगर आकाश हमको अवगाहना न दे तो एक व्यक्ति दूसरे को पड़ेगा, दूसरा तीसरे पर पड़ेगा और इस तरीके से आपाधापी मचेगी और किसी व्यक्ति को अपने रुकने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये 5 भूत है और इन 5 भूतों के द्वारा जो है ये मानव का शरीर निर्मित होता है, हर प्राणी का शरीर निर्मित होता है। जिस वक्त के अंदर जो माता का अंडज और पिता का शुक्र आपस में मिलते हैं, ये दोनों, ये आत्माएं होती है, दोनों आत्माएं अपने आप का अस्तित्व समाप्त करके एक तीसरी आत्मा को खड़ी करती है जिसका कि जन्म होता है। तो ये सारे उस वक्त के अंदर ही, जब आत्मा अपने माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, तो उस समय से ये 5 भूत उसको मिलने चालू हो जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर 5 भूत निवास, हर जीवित प्राणी के अंदर ही 5 भूत होते हैं और 5 भूतों की आवश्यकता होती है। उसी से ही हमारा भरण पोषण होता है, उसी से हमारा कार्यकलाप होता है, उसी से हमारी शक्ति मिलती है, उसी से हमें हमारी प्राण ऊर्जा मिलती है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिससे हम कार्य करते हैं उसका नाम प्राण ऊर्जा है, विटालिटी है। वो विटालिटी किन चीजों से बनती है? वो विटालिटी बनती है भोजन से, पानी से
और प्राण वायु ऑक्सीजन से और अग्नि से, इन चार चीजों को मिलाकर के हमारी विटालिटी होती है, और विटालिटी से मन का, वचन का और शरीर का सब कार्य होता है। अगर किसी में विटालिटी की कमी है, किसी में ऊर्जा की कमी है, किसी में शक्ति की कमी है, तो वह व्यक्ति निर्बल हो जाता है, काम नहीं कर पाता है और बीमार पड़ जाता है। अब प्रश्न यह है कि सारा भरण पोषण ये प्रकृति करती है, और प्रकृति ने इसकी व्यवस्था कर रखी है भरण पोषण की। प्रकृति माँ कहती है कि मैं उसी को ही जन्म देती हूँ जिसकी कि मैं भरण पोषण कर सकूँ, और भरण पोषण के बिना प्रकृति माँ ये जो है वो जन्म नहीं देती है। कहावत भी है कि जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा, यानी जिसने जन्म दिया है वो हमारा पालन पोषण भी करेगा। हमारी माँ होती जो जन्म देती है, तो जन्म देते ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उसका स्नेह बढ़ता जाता है, उसका ममत्व तो बढ़ जाता है कि ये मेरा बच्चा, इसका पालन पोषण करना है। उसको समय से खिलाती है, पिलाती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है।